हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ ये वाली टिकिया। ये मैंने दो कलर में बनाई है और ये सिर्फ वाइट धागे से बनाई है। देखिए, तो सेम डिज़ाइन है, बस उस पर मैंने ग्रीन और वाइट यूज़ की है। तो आइए देखते हैं इस टिकिया को मैंने कैसे बनाया है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 4-ply की धागा ली है, ग्रीन वाली, और ये 4 नंबर की हुक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेन लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं 3 चेन लूँगी। तो देखिए, 3 चेन लेने के बाद इसे इस तरीके से हम क्रोचित कर लेंगे। ये देखिए, जो छोटी सी हॉल है, इसी हॉल के अंदर हमें 6 टाइम डबल क्रोचित करनी है। तो 1 चेन लेते हुए मैं यहाँ पर 6 टाइम डबल क्रोचित कर लूँगी। तो देखिए, इसी तरीके से मैं 2 और बना लूँगी। तो ये देखिए, ये मैंने डबल क्रोचिट कर ली है 6 टाइम। तो अब यहाँ पर मैं इसे क्रोचिट कर लूँगी। ये देखिए, मैंने क्रोचिट कर लिया है। तो अब इसके बाद जो डबल क्रोचिट हमने सबसे पहले की थी, उसके बाद जो गैप आती है, ये देखिए, इस गैप पर हमें 4 टाइम इस तरीके से धागे को लेना है। तो ये हम पफ बनाएंगे, ये देखिए इस तरीके से। फिर यहाँ पर मैं 2 चेन लूँगी और 2 चेन लेके सेम उसी जगह पर जहाँ पर हमने ये पहले वाली पफ बनाई थी, उसी जगह पर फिर से 4 टाइम्स धागे को इस तरीके से लेके हम और एक पफ बना लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से एक गैप पर हमें 2 पफ बनानी है। तो 2 चेन लेने के बाद, देखिए 2 चेन ली है, उसके बाद नेक्स्ट वाली जो डबल क्रोचिट है उसे छोड़कर जो गैप आएगी उस पर भी हमें सेम इसी तरीके से 4 टाइम्स धागे को लेके पफ बना लेनी है। तो एक गैप पर 2 पफ बनेगी। तो देखिए, ये 2 पफ मेरी बन गई है, देखिए इस तरीके से। तो अब 2 चेन लेने के बाद फिर से नेक्स्ट वाली जो डबल क्रोचिट है उस गैप पर बनानी है। तो इसी तरीके से डबल क्रोचिट, एक डबल क्रोचिट छोड़ छोड़ कर जो गैप आएगी उस गैप पर हमें बनानी है। तो ये देखिए, मैंने बना ली है, हर एक गैप पर 2 बार पफ बनाई है मैंने। तो अब इसे मैं यहाँ पर क्रोचिट कर लेती हूँ, ये देखिए। तो अब यहाँ से हमें धागे को कट करना है। तो ये हमारा बन गया है। तो अब यहाँ पर मैं वाइट वाली धागा यूज़ करूँगी, ये देखिए। तो जहाँ से मैंने धागे को कट किया है उसी जगह से मैं धागे को फिर से जॉइन कर लूँगी, ये देखिए। इसे हम बाद में काटेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 चेन ली है। 1 चेन लेने के बाद जो ये गैप आएगी, ये देखिए, ये दोनों पफ के बीच जो गैप आएगी, इस गैप पर हमें फिर से 4 टाइम्स धागे को इस तरीके से लेकर पफ बनानी है, ये देखिए इस तरीके से। और फिर से 2 चेन लेकर फिर से सेम ही जगह पर हमें फिर से 4 टाइम्स धागे को लेकर पफ बनानी है। ये देखिए, बन गई है पफ। तो अब यहाँ पर हमें देखिए, ये जो 2 गैप हैं, इन 2 गैप पर हमें डबल क्रोचिट करनी है। तो यहाँ पर मैं चेन नहीं लूँगी, देखिए, डायरेक्ट इस जो 1 गैप है इस पर 4 टाइम्स और इस गैप पर भी 4 टाइम्स डबल क्रोचिट करेंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने बना ली है। तो अब इसके बाद देखिए, ये जो गैप आएगी, इस गैप पर हमें पफ बनानी है, जैसे हमने इस पर बनाई थी, सेम इसी तरीके से। तो यहाँ पर मैं पफ बना लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पफ बना ली है। तो अब देखिए, यहाँ पर जो नेक्स्ट ये जो दो गैप हैं, इन गैप पर हमें डबल क्रोचेट करनी है इसी तरीके से। तो देखिए, इन दोनों गैप्स पर फोर फोर टाइम्स डबल क्रोचेट करनी है। तो ये मैं कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों मैंने कर ली है। तो अब इस जो गैप पर है, इस पर पफ बनेगी, इस तरीके से दो पफ बनेगी। और फिर से पफ बनने के बाद इन दोनों गैप्स पर इस तरीके से फोर फोर टाइम्स डबल क्रोचेट करनी है। और फिर से इस गैप पर पफ बनेगी सेम इसी तरीके से। और फिर से इन दोनों जो गैप्स हैं, ये देखिए, ये दोनों गैप्स पर इसी तरीके से फोर टाइम्स डबल क्रोचेट करनी है। तो ये मैं बना लूँगी। तो देखिए, ये वाली राउंड मैंने बना ली है। तो अब मैं इसे यहाँ पर क्रोचेट कर लूँगी। तो देखिए, इस तरीके से क्रोचेट कर लेनी है। तो ये इस तरीके का बनेगा। तो अब इसके बाद यहाँ पर मैं एक चेन लूँगी। तो एक चेन लेने के बाद, ये जो दोनों पफ के बीच पे जो गैप है, इस गैप पर हमें फिर से पफ बनानी है, जैसे हमने पहले बनाई थी, सेम उसी तरीके से, ये देखिए। और बीच में दो चेन लेनी है और फिर से सेम ही जगह पर फिर से पफ बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो अब पफ बनाने के बाद देखिए, ये जो साइड वाली जो ये जो गैप है, ये देखिए, ये वाली, इस पर हमें टू टाइम्स डबल क्रोचेट करनी है। तो देखिए, टू टाइम्स डबल क्रोचेट कर ली है। अब ये जो हमने पहले फोर फोर टाइम्स डबल क्रोचेट की थी, इन डबल क्रोचेट के ऊपर भी हमें डबल क्रोचेट कर लेनी है, ये देखिए इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर पर भी हमें टू टाइम्स डबल क्रोचेट कर लेनी है। डबल क्रोचेट करने के बाद देखिए, ये इस तरीके का बनेगा। तो डबल क्रोचेट करने के बाद फिर से इस पर हमें पफ बनानी है टू टाइम्स। तो ये पफ मैं बना लूँगी। तो देखिए, ये पफ बनाने के बाद फिर से जो, ये देखिए, ये जो पफ के पास वाली जो गैप है, इस पर हमें टू टाइम्स डबल क्रोचेट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से। तो देखिए, ये इस तरीके का बनेगा। तो ये पफ के ऊपर हमने फिर से टू टाइम्स पफ बनाई है।
और इसके बाद ये जो कॉर्नर पर है यहाँ 2 टाइम्स मैंने डबल कोचिट की है, और इसके बाद जो ये हमने डबल कोचिट के ऊपर ही फिर से डबल कोचिट करके फिर से कॉर्नर पर 2 टाइम्स डबल कोचिट की है। उसके बाद 2 पफ बनाई है, और 2 पफ बनाने के बाद देखिए फिर से मैंने कॉर्नर पर 2 डबल कोचिट की है। तो अब ये 2 डबल कोचिट करने के बाद इन डबल कोचिट के ऊपर हम फिर से डबल कोचिट करेंगे, और फिर से ये जो कॉर्नर है इस कॉर्नर पर 2 टाइम्स डबल कोचिट करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें ये वाली जो राउंड बनानी है इन दोनों कॉर्नर पर 2 डबल कोचिट करनी है। तो इसी तरीके से मैं ये राउंड को बना लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड भी मैंने बना ली है, तो अब मैं इसे यहाँ पर कोचिट कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा टिकिया बनकर रेडी है। तो देखिए इस तरीके का दिखेगा, ये मैंने ग्रीन और वाइट पर बनाई है, तो आप किसी भी कलर के साथ इसे बना सकते हो। और इसके साथ ही मैंने एक वाइट वाली भी बनाई है जो सिर्फ वाइट धागे से बनाई है मैंने। तो ये देखिए, ये वाइट वाली है, वाइट धागे पर डिज़ाइन बहुत ही अच्छे तरीके से दिखता है। तो देखिए, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।